क्या कर रहे हैं आप? अरे जो काम आपका नहीं है वो क्यों कर रहे हैं आप? दो भी। रो रो कर आंखें सूज गई हैं आपकी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पति पत्नी एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। तुम भी तो मेरी मदद करती हो। हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है, आपने प्याज काटकर मेरी मदद कर दी है, अब आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। कैसा पति हूँ मैं? अपनी पत्नी को एक अच्छी साड़ी भी नहीं दे सकता हूँ। पति का धर्म होता है पत्नी को खुशी देना, सुख देना, परंतु मैं... आप मेरे साथ हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? जब मैं आपसे दूर अपने माता पिता के घर थी तब मेरे पास सब कुछ था, नई नई साड़ियां थी, लेकिन मेरे पास आप नहीं थे। पति से अलग होने का जो दर्द होता है उससे बड़ा दुख एक पत्नी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही खुश। पत्नी को भार्या कहते हैं, भार्या का अर्थ है आधा भाग, इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति और पत्नी जब दुख में साथ खड़े होते हैं तो दुख पीड़ा नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, दर्द नहीं देता। दुख जीवन से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हवा का कोई झोंका आता है और चला जाता है। पति का अर्थ होता है प्रमुख, और प्रमुख होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये कर्तव्य, ये दायित्व कभी कभी उसे विचलित करता है। जब वो चाहकर भी सही तरीके से उस कर्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पाता, वहां पर पत्नी सहारा बनकर आती है। वो अपने पति के साथ खड़ी होती है, अपने पति को यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं ना। यही एहसास एक शक्ति बनकर, एक ताकत बनकर उसके पति के साथ खड़ा होता है, और पति जीवन से निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। चाहे समय कितना ही प्रतिकूल, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि तब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। अरे बैठी, इतना कुछ हो रहा है पर गुरुदेवों की कुछ खबर ही नहीं। अरे हाँ, ना कोई आहट ना कोई चहल पहल। हाँ, वो सो रहे होंगे। चलिए चलिए द्वारिकानाथ जी, हम गुरुदेवों के दर्शन कर लेते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं जी, द्वारिका नाथ जी को श्राप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अरे इनकी चमड़ी श्राप झेल झेल कर गेंडे की तरह हो गई है। बम भोले, बम बम भोले। गुरुदेव आप प्रणाम। कल्याण मस्तु। गुरुदेव आइए आइए, आपको देखकर मेरी जान में जान आ गई। परंतु इस द्वारिकानाथ को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें देखकर द्वारिकानाथ की जान निकल गई। बम 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 भोले। अरे राम राम राम, परंतु गुरुदेव आप दोनों कहाँ गए थे? बम बम भोले। हम सब बताते हैं वैद्यराज जी, परंतु सर्वप्रथम हमारा ये प्रिय बालक मंदबुद्धि द्वारकानाथ हमारे लिए श्वेत तरल पदार्थ अर्थात दूध गर्म करके लेकर आए। बम 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 भोले। मैं
मेरा नाम द्वारिकानाथ नहीं है, जी का नाम भी द्वारिकानाथ नहीं है, आप ही का नाम द्वारिकानाथ है, द्वारिकानाथ जी। जानता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। और सुनो, तुम हमारे लिए लाया हुआ दूध मत पिया करो, पहले से ही इतने मोटे हो गए हो तुम। बम 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 भोले। बम 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 भोले। वैद्यराज जी, हम गांव दर्शन के लिए गए थे और पता चला कि द्वारकानाथ धुनी बुझाने की दृष्टता कर रहा है। बम बम भोले। बम बम भोले गधा कहीं का। तुम धुनी का महत्व जानते हो द्वारकानाथ? बम बम भोले, अरे महर्षि ये तो सिर्फ भोजन करना जानता है, अग्नि की परिक्रमा जानते हो तो। बम बम भोले, बम बम भोले, महर्षि इसका मन स्थिर नहीं, फिर ये अग्नि की पतिव्रता, पवित्रता, पवित्रता कैसे जानेगा? बम बम भोले भोले, बार बार मेरे सर पे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे भेजे में पत्थर भरा हुआ है मंदबुद्धि, उसे निकालने के लिए, ताकि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ गए ना? अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा ना? मूर्ख कहीं के। धुनी बुझाना क्यों चाहते हो? क्या समझते हो, धुनी बुझाकर तुम मालिक का अस्तित्व ही मिटा दोगे? मालिक तो सर्वव्यापी है, हर दिशा में है, हर समय है, और उसके होने की बहुत सी निशानियां हैं। क्या क्या बुझाओगे तुम, क्या क्या मिटाओगे? एक दिन खुद मिट जाओगे, लेकिन मालिक की निशानियां नहीं मिटा सकोगे, मालिक के अस्तित्व को नहीं नकार सकोगे। धुनी पवित्र अग्नि है, और तुम इतने गिर गए हो कि धुनी को अपना दुश्मन मानते हो। तुम कितने भी पाप करो, पवित्र अग्नि तुम्हें अपने में समा लेती है, तुम्हारे शरीर को स्वीकार करती है, शरीर से जुड़े हुए सारे विकारों को जला देती है। जिन पंच महाभूतों से तुम्हारा ये शरीर बना है, उस शरीर को ये पवित्र अग्नि ही पंच महाभूतों में विलीन कर देती है। कितना बड़ा कार्य करती है ये पवित्र अग्नि, और तुम उसे बुझा देना चाहते हो? ये अग्नि तो हमें शिक्षा देती है कि क्यों अहंकार के अधीन होते हो, क्यों अपने शरीर को महत्व देते हो। तुम्हारा शरीर तो एक दिन राख होने वाला है, और ये राख योदी हमें क्या शिक्षा देती है? सारा जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। सबका मालिक एक। रुक क्यों गई? हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ हमारे पैर ले जाएं, वहाँ। लेकिन ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ जाता है। आपके पांव बार बार हमारे घर की तरफ ही क्यों मुड़ते हैं? अब उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, अपमानित हुए हैं हम। धक्के मार मार के हमें घर से निकाला गया है, भूल गए हैं आप? मैं भूलना चाहता हूँ, सब भूलना चाहता हूँ मैं। तो फिर क्यों आपके कदम उस घर की तरफ बढ़ते हैं? क्योंकि उस घर में हमारा इकलौता बेटा रहता है। मैंने ही उसे जन्म दिया है। मैं भी तो उसका जन्मदाता हूँ। लेकिन वो हमें माँ बाप नहीं मानता, और आप उसे ही मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो हमारे लिए मर चुका है। एक नाचने वाले के लिए जो अपने माँ बाप की परवाह नहीं करता है, घर से ही नहीं, अपने माँ बाप को अपने दिल से ही निकाल देता है, उसे हम अपना बेटा कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसे बेटे को पैदा किया, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बहुत दिनों से उसे देखा नहीं हमने। देखेंगे तो दुख ही होगा आपको,
क्योंकि अभी तक तो उस नाचने वाले ने उसे पालतू कुत्ता बना दिया होगा। अरे अपने बच्चे के बारे में ही ऐसा बोल रही हो तुम? तुम्हें तो उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए और खुद भी तुम्हें दुआ देनी चाहिए। हम उसे बद्दुआ नहीं देते, यही उसके लिए दुआ है, है ना नंदी? साईं, तुम तो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे ना? हाँ। तो फिर रुक क्यों गए? इंसान के रुकने का सवाल क्यों गुरुदेव, जबकि इंसान की जिंदगी रुक जाती है। साईं, तुम्हारी आंखों में आंसू? गुरुदेव, इंसान का दुख दर्द देखकर कभी कभी पत्थर भी पिघल जाता है, फिर इंसान तो मोम का पुतला है, उसका पिघलना स्वाभाविक ही है। लेकिन तुम ही तो कहते हो साईं कि समाज का मार्गदर्शन करने वालों को कभी पिघलना नहीं चाहिए। फिर भी समाज में जो दुख दर्द भरा है उसे देखकर मार्गदर्शक भी पिघल जाता है। तुम किसके दुख दर्द की बात कर रहे हो साईं? जब अपना कोई दुख देता है तो इंसान दुखी होता है गुरुदेव। दोस्त दुश्मन बन जाता है तब इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है। जब विश्वास ही विश्वासघात करता है तब इंसान के दिल को चोट पहुंचती है। जब हमारा अपना पराया हो जाता है तब इंसान को लगता है कि वो अपने ही देश में परदेसी हो गया है। और जब बेटा अपने माँ बाप का कृतज्ञ हो जाता है तो मालिक दुखी होता है गुरुदेव। मालिक भी सोचता है कि उसने ये कैसा इंसान बनाया है जो रुपए पैसे को अपनी माँ से अपने पिता से ज्यादा अहमियत देता है। ये कैसा इंसान है जो पराई स्त्री के आकर्षण में आकर अपने माता पिता को ठोकर मारता है। मालिक को विश्वास ही नहीं होता गुरुदेव, विश्वास ही नहीं होता कि जिस माता पिता ने अपने बेटे की जिंदगी सुखी बनाई, खुशहाल बनाई, उन्हीं की जिंदगी को बेटा दुखदाई बनाता है। तो ऐसी संतान होकर भी नहीं होने के बराबर है साईं। माँ की ममता क्या होती है इस बारे में एक कहानी याद आई। एक बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी पत्नी का दिल नहीं भरा। वो उसे बार बार कहने लगी कि तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपनी माँ का हृदय ला कर दो। बेटा माँ के पास गया और बेटे को सुखी देखने के लिए, सुखी करने के लिए माँ ने अपना हृदय उसे दे दिया। अपनी पत्नी को अपनी माँ का हृदय देने के लिए बेटा खुशी खुशी भाग रहा था कि यकायक उसे ठोकर लगी, वो गिर गया। माँ का हृदय बोला, बेटा लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ गुरुदेव। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन अब उसकी माँ वापस आने वाली नहीं थी। अब उसके इंतजार में माँ आंखें बिछाए बैठने वाली नहीं थी। अब उसकी सुख शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करने वाली माँ नहीं रही थी। उस बेटे के लिए सब कुछ खत्म हो गया था गुरुदेव। गुरुदेव, घर को मंदिर बनाती है माँ, घर को मालिक के परम धाम का स्वरूप देती है माँ। अपने बच्चे और हर बाधा के बीच खड़ी होती है माँ। घर परिवार संसार बच्चे इनके लिए जीती है माँ। और बेटा अपनी ही माँ को अपमानित करता है। सबका मालिक।
एक। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे प्रिय, नृत्य क्यों रोका तुमने? भिक्षां देहि माँ जी। मेरे नृत्य रोकने की वजह वो है हुजूर। भिक्षां देहि। तुमने अपने माँ बाप को तो घर से निकाल दिया, परंतु उन्हें पुकारने वाले आज भी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। अभी मैं उस बाबा को भगा देता हूँ। क्या है? भिक्षां देहि। भिक्षा विक्षा कुछ नहीं मिलेगी, बोल दो इसे। भिक्षा विक्षा कुछ नहीं मिलेगी। तुम बहुत दयालु हो बेटे। या तो भिक्षा में एक आलू भी नहीं मिलेगा बाबा। जाओ। माँ जी हैं। माँ? हाँ माँ बेटे। तुम क्या इनकी बातें सुनते रहोगे? क्या ये तुम्हारी माँ है? क्या क्या मैं तुम्हें इसकी माँ लग रही हूँ? ये तुम्हारी बहन है। अरे मैंने तो देखा ही नहीं था, इनके पैरों में तो घुंघरू बंधे हैं। अच्छा ये तुम्हें नृत्य सिखा रही थी? तुम तो गले ही पड़ रहे हो। तुम्हारे पिताजी हैं? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? हैं, लेकिन इस घर में नहीं हैं। वो तुम्हारे दिल में तो होंगे ना बेटे। माता पिता मूल धरोहर हैं बेटे, उनको इस तरह से बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें इनके माँ बाप से क्या लेना? जाओ बाबा जाओ। उसी तरह से जैसे तुम्हें इनकी जमीन जायदाद से लेना देना है, वैसे ही मुझे इनके माता पिता से लेना देना है। छोटा मुंह और बड़ी बात करते हो, चलो जाओ यहाँ से। बेटी मालिक जिससे नाराज होता है वो ऐसे कभी नहीं बोलता बेटी। और तुम बेटे जब तक वक्त तुम्हारे साथ है तब तक अपनी बुद्धि पर जोर देकर सोचो। जो गलतियां तुमने की है उसे सुधारने की कोशिश करो। जो कड़वाहट तुम्हारे दिल में पैदा हुई है दूसरों के लिए उसे दूर करने की कोशिश करो। वो मालिक बहुत दयालु है बेटा, वो तुम्हें माफ कर देगा अगर तुमने माफी मांग ली। वरना वक्त के तुम्हारा साथ छोड़ते ही कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ना ये पैरों में बंधे हुए घुंघरू तुम्हारा साथ देंगे और ना ही घुंघरू बांधने वाली ये नर्तकी तुम्हारा साथ देगी। बोलू रमण, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। वैसे ही ना, जैसे तुमने इनके माता पिता को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उस मालिक से डरो, वो मालिक आंखें बंद किए सोया है ऐसा मत सोचो। बहुत समझा लिया तुमने, अब जाओ। बेटे मेरी झोली तो खाली ही रह गई, भिक्षा नहीं दोगे? ये
सबका मालिक एक। ये सब तुम्हारे माँ बाप का किया कराया नाटक था, समझे? उस बाबा को भेजकर उन्होंने मेरा अपमान किया है। क्या इस अपमान का बदला नहीं लोगे तुम? मुझसे प्यार करते हो ना तुम? तो जाकर उस बुड्ढा बुड्ढी से कह दो कि इस गांव को छोड़कर चले जाएं। नहीं कहोगे? कहूंगा, जरूर कहूंगा। बोलिए नंदी महाराज, बोलिए। आज तुम्हें क्या मिलेगा श्रीखंड? जलेबी। मैं समझ गया, नंदी महाराज को चाहिए पैसा। नंदी महाराज सच बोलते हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप हम पर कृपा करिए। क्या तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे? तुमने शराब पी है? हाँ पी है मैंने शराब, पी है मैंने शराब। क्यों उस बाबा को भिक्षा मांगने के लिए घर पर भेजकर मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो तुम लोग? बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी जिंदगी में जहर क्यों घोलेंगे? तो क्यों भेजा उस बाबा को? क्यों? अपने अपने कर्मों के भोग होते हैं जो हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं, वरना एक ही दिन में एक ही समय दो बच्चे पैदा होते हैं, एक महल में पैदा होता है तो दूसरा झोपड़ी में। क्यों? क्या है कारण? क्या है इसका खुलासा? क्या है इसका स्पष्टीकरण? क्या तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे? मुझे मेरी नजरों के सामने तुम दोनों नहीं चाहिए। क्या तुम दोनों मुझे सुखी नहीं देख सकते? कैसी बातें करते हो बेटा? अरे माँ बाप अपनी संतान को खुश देखना चाहता है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों अभी इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तुम दोनों के गांव छोड़ने में ही मेरी खुशी और मेरा सुख छिपा है। मालिक, अपनी नजरों से माता पिता के हटते ही जिसे खुशी मिलती है, ऐसी औलाद कभी किसी को ना देना। माता पिता के सुख से ज्यादा जिसे अपने सुख की पड़ी हो, ऐसा बेटा किस काम का? बेटा जिस बाबा के बारे में बात कर रहा था वो तुम ही हो ना? अरे माँ जी, मालिक। क्यों गए थे उसके पास? उसके दिल में झांकने। तो फिर क्या देखा तुमने? उसके दिल में अभी भी आप दोनों के लिए थोड़ा सा प्यार बचा है। क्या इसीलिए उसने हमें गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है? क्रोध इसलिए आया है कि वो आपके पास आकर भी आपको अपने साथ घर लेकर नहीं गया है। वो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने बेटे को भूल चुके हैं। और वैसे भी तुम्हें हमारी वकालत करने के लिए किसने कहा?
क्यों हमारे बेटे को तुम अपनी बातों से तकलीफ दे रहे हो? बेटे को भूल गए हैं तो मेरा बेटा क्यों करते रहते हैं आप? चलिए शाम होने तक हमें दूसरे गांव पहुंचना है। गांव छोड़कर जा रहे हो? मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। वो दोनों तो चले गए साईं। गुरुदेव आप, मैं भी खाना तैयार कर देता हूँ। साईं ये माता पिता अपने बेटे से दुखी हैं। दुख इस बात का नहीं है गुरुदेव कि इनका बेटा उन्हें अपनाना नहीं चाहता या वो अपने बेटे को भूल चुके हैं। दुख इस बात का है उनका अपना घर छूट गया है। घर को छोड़ा नहीं, घर छूट गया। बेटे को छोड़ा नहीं, बेटा छूट गया। अगर इंसान ये जान ले कि जो उसके काम का नहीं था वो छूट गया तो दुख से ही छूट जाए। लेकिन साईं ये कैसे जाना जाए? गुरुदेव दुख अर्थात जो मैं नहीं चाहता वही हो रहा है और सुख जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो मैं चाहता हूं। गुरुदेव इंसान संसार के हर वस्तु पाना चाहता है लेकिन अपने आप को पाने की कोशिश वो कभी नहीं करता। जिस दिन वो अपने आप को पा लेगा, अपने आप को जान लेगा, अपने आप को जीत लेगा, उस दिन वो सुखी हो जाएगा। सबका मालिक एक। लो इसे संभाल के रख दो। क्या है इसमें? 5,000 रुपए हैं। 5,000? कहां से आए? मैंने साहूकार से उधार लिया है। जानकी तुम उदास क्यों हो रही हो? किसी काम की शुरुआत करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है जानकी, और ये पूंजी ही मेरा साधन है। इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो। जाओ ध्यान से। कोई सवाल मत पूछना, तुम्हारी आज दिवाली है। बस यही समझकर ध्यान से काम करना, समझे? ये रुपए भी तुम्हारे हैं और इसके साथ 5,000 और वो भी तुम्हारे हैं। 5,000? कहाँ है सेठानी जी? वो सामने तबेले में, जहाँ आजकल मेरा बेटा रघुराम रहता है। वो आज ही हीरा लाल सुनार से 5,000 रुपए कर्ज ले आया है। तो वो तो रघुराम के हैं। और जब तू रात में जाकर उसके घर में वो 5,000 रुपए चुरा लेगा तो रुपए किसके हो जाएंगे? अरे बुद्धू तेरे ना। आप अपने बेटे के घर? चुप, कहना सवाल नहीं। संभाल ले रुपए और वो 5,000 भी तेरे हैं।
जा, संभल के जाना। ये कृपाल यहाँ क्यों आया था? अंबिका, तुम जानती हो ये एक नंबर का शातिर चोर है, और तुम उससे क्या बातें कर रही थी? ये चोर और बदमाश किसी और के लिए होगा जमींदार साहब, हमारे लिए नहीं। उसे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसीलिए वो आया था। तो क्या, मैंने उधार दे दिए? ये तुमने बहुत गलत किया अंबिका। गलत तो मैं तब करती जमींदार साहब जब मैं इसे उधार ना देती, तो किसी न किसी दिन आकर हमारे घर से अपना हाथ साफ करके चला जाता, समझे आप? अरे दुनियादारी कुछ समझिए जमींदार साहब, दुनियादारी। आप गुरुदेव, आप तो विश्राम कर रहे थे। विश्राम करने की अपेक्षा तुम्हारे साथ मुझे बातें करना अच्छा लगने लगा है साईं। ये तो आपका अनुग्रह है मुझ पर गुरुदेव। केवल मैं ही नहीं साईं, तुम्हारी बातों से जैसे शिरडी सम्मोहित हुई है, वैसे ही राहता वाले भी सम्मोहित हुए हैं। सच कहूं साईं, तो अब तो मुझे तुम्हारी आदत से पड़ गई है। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं साईं, लेकिन एक तुम ही हो जिसने मेरे दिल में घर कर लिया है। बैठिए बैठिए गुरुदेव। आज मुझे ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि मालिक मुझ पर खुश हुआ है। अब तुम्हारा अकेले में बोलना, रात रात जागना, भिक्षा मांगकर खाना बनाना और जानवरों को प्यार देना, ये सब जैसे मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है साई। जीना है तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। जब इंसान अपने लिए जीता है तब स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे विकार उसे घेर लेते हैं। वो सोचता भी नहीं कि किसी की जमीन जायदाद पैसा चुरा लेने से उसका नसीब तो नहीं चुराया जा सकता। किसी से द्वेष करके, नफरत करके वो किसी को मिलने वाले प्यार पर अंकुश नहीं लगा सकता। गुरुदेव, ये दीप रोशनी देते हुए हर तरफ ये संदेश देते हैं कि इंसान को इसी तरह हर किसी को प्यार देना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिंदगी दिए के तेल की तरह होती है गुरुदेव, जो हर पल घटती जाती है, कम होती जाती है। हवा का झोंका आते ही दीप बुझ सकती है साईं। हवा के झोंके की तरह इंसान की जिंदगी में खतरा पैदा होता है गुरुदेव, और तब जिंदगी मिटने की संभावना हो जाती है। उस पल इंसान डर जाता है, अपनी जिंदगी को बचाने की हर कोशिश करता है, और जब वो बच जाता है तब फिर से विकार विचार उसे घेर लेते हैं, और वो दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचता रहता है। तब वो मालिक का हर दस्तूर भी भूल जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। वाह साईं, वाह।
एक। पहली बार हम लोग इस तरह रात में घूमने निकले हैं जी। जी जानकी जी। दूसरों पर इतना भरोसा करते हो तुम? रात भी कितनी प्यारी है। इतनी जल्दी भूल गए कि जो तुम्हारा अपना था वो भी तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। इस घर में तो कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से ढूंढूं? सावधान हो जाओ, सावधान। इस तरह बेफिक्र रहोगे तो सब कुछ खो बैठोगे तुम। अंधेरे में क्या देख रही हो अंबिका? बाप रे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डर भी कभी डरता है क्या? जाइए, जाकर सो जाइए। इंसान जिसे अपना दुश्मन समझता है उसे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय उसे ही देखता रहता है। कुछ होने वाला है क्या? नहीं तो अब झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? सच बोलने की हिम्मत नहीं है? कितना सच है ये कि जो षड्यंत्रकारी कारनामे करता है वो झूठ से ही दोस्ती करता है। अरे इतने वर्षों से मैं तुम्हें जानता हूँ, और जब भी तुम्हारे इशारे पे कुछ होने लगता है ना, तुम इसी तरह बेचैन हो जाती हो। बड़े आए मुझे जानने वाले। चलिए, कुछ तो होने वाला है। अंबिका के रंग ढंग बता रहे हैं कि इसने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है। क्या कहा? अब भी समय है, सावधान हो जाओ। तुम्हारी मुस्कुराहट चुराने कोई आया है, सावधान। क्या हुआ जानकी? हमारे घर से कोई निकल कर गया है। अंधेरे में अक्सर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ये भ्रम नहीं है जी, हमारे घर में 5,000 रुपए रखे हुए हैं। और वो बात मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता है, समझी? नहीं नहीं, पहले मैं अपने भ्रम की तसल्ली कर लूं। अरे मैं घर में जाकर वो रुपए देखना चाहती हूँ। रुको तो सुनो जानकी। लगता है दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। सुनिए जी, चोरी हो गई है। चोरी, चोर, चोर, चोर। ये तो जानकी की आवाज है, पर वो चोर चोर क्यों चिल्ला रही है? अरे चोर किसके घर में चोरी करता है? जिसके घर में माल हो, माल। चोर, चोर सारे पैसे चुरा कर ले गया जी। अब समझ में आया है, अब सब समझ में आया है। क्या समझ में आया आपको? उस गुंडे को तुम्हारा पैसा देना, आज रात की तुम्हारी ये बेचैनी, दरवाजे पर दस्तक देके इशारा,
और अब रघुराम के घर में चोरी। इन सब के पीछे तुम ही हो ना अंबिका। जब आप जान ही गए हैं जमींदार साहब, तो ये भी जान लीजिए कि आज के बाद रघु की जिंदगी में जो भी हादसा होगा उसके पीछे मैं रहूंगी। मैं तुम्हारा इंसान ना समझ है, इतना भी नहीं समझता कि बुरे वक्त में सावधानी बरतनी चाहिए। बुरे वक्त में सबसे पहले जो अपने हैं वो पराए हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाता है, और जिस पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही विश्वासघात करता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मालिक, सिर्फ एक गलती, एक बेफिक्री इंसान की दुनिया में उथल पुथल मचा देती है। जो पल बीत जाता है, हाथ से निकल जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। ये कौन समझाएगा तुम्हारे इंसान को मालिक? ऐसे ही पल पल से जिंदगी बनती है और ऐसे ही पल पल से बिखरती है। फिर दुख, दर्द, यातना और कष्ट के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचता मालिक। अब भी कुछ होना बाकी है क्या? क्योंकि अपने काले कारनामों के लिए, कुकर्मों के लिए बुरे लोग रात के अंधेरे की प्रतीक्षा ही क्यों करते हैं मालिक? सबका मालिक एक।